Come on, Dad. Center, center. You want to light? Yes, light. 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 One more, one more. One more. Thank you. Right, man? Yeah. Are you happy? One more, right? Look here. So, so. Right? Yeah, start from here. Right, right. Okay. Yeah, right. Right, say. Right, say, right, say. Right, left. Left, move, Maya. Yeah, okay. You're right. You're right. Excuse me, right. Ma'am, right? Ma'am, right? Yeah, ma'am, right? Yeah, both of you, right? Right. रुक जा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ हो गया जो मैम सामने सेंटर अच्छी बातें हैं पहली बात तो ये कि हमारा देश क्रिकेट से आगे बढ़कर किसी दूसरे स्पोर्ट की तरफ जा रहा है इससे गुड न्यूज़ कोई नहीं हो सकती क्योंकि हम वैसे तो 125 करोड़ की आबादी हमारी लेकिन सब एक ही गेम के पीछे दौड़ते रहते हैं जबकि हमारे पास इतना अच्छा पोटेंशियल है कि हम कोई भी गेम में अगर जब अब जब उतर ही रहे हैं तो हर गेम में हम अच्छा कर रहे हैं दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि ये इट्स फॉर वेमेन औरतों के लिए है और बाकी जो देश हैं दूसरे देश हैं वो शुरू से वहाँ पर औरतों की स्पोर्ट्स हैं और वो बहुत अच्छा करती हैं हमारे देश में थोड़ा इसको टाइम लगा है बट देर है बट दुरुस्त है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स एक्चुअली हैपनिंग एंड और तीसरी गुड न्यूज़ ये है कि जो घर पर मुझे जो सारा कॉम्पिटिशन झेलना पड़ता था अब मेरे पे नहीं वो सारा फ्रस्ट्रेशन मेरे पे नहीं निकलेगा फील्ड पे निकलेगा करिश्मा एक बहुत अच्छा एक शुरू से ही इन्होंने स्केटिंग में इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है एशियंस में और शुरू से ही ये बहुत मतलब गेम्स में बहुत आगे थी तो वो अब वो मौका इनको थ्रो बॉल में मिलेगा सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट फॉर मी बिकॉज आई वॉन्ट हर टू कम फॉरवर्ड और आके सिर्फ ये लोगों को दिखाएं कि सिर्फ ग्लैम डॉल नहीं है ये बहुत अच्छी स्पोर्ट्स गर्ल भी है एक्चुअली अब इतनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बोल दी है तो मेरा बहुत खुश हो गया है बट हाँ वो थ्रू बॉल को मैं जब भी फेंकूंगी तो मैं हमारी कोई लड़ाई याद करूंगी ताकि वो मैं ज़ोर से फेंकूँ और सामने वाला अपोनेंट उसे कैच ना करे लेकिन उसे लगे और वो गिर जाए बट नो आई एम वेरी एक्साइटेड दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस एंड एन एक्साइटिंग थिंग जो हो रही है जैसे कि इन्होंने कहा कि क्रिकेट को ही हमेशा एक ही मजहब है हमारी कंट्री में वो है क्रिकेट सो अब जब थ्रो बॉल की तरफ लोग देख ही रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोगों को थ्रो बॉल के बारे में पता है ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा स्पोर्ट था जो किसी को पता नहीं था इट्स जस्ट दैट कि उसको नेशनल लेवल पे लाने के लिए किसी को बस बढ़ावा देना था एंड ये जो अब पुश मिल रहा है और ये जो एक इन्होंने इनिशिएटिव लिया है उसको हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं एंड हम जान लगा देंगे मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ मैं जिस चीज़ में घुसती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है ऑफकोर्स मैंने एशियन लेवल पे नेशनल लेवल पे रोलर स्केटिंग सीखा है लेकिन बचपन से मैं रनिंग रेस में इनफैक्ट मैं अभी अपनी बेटी की स्कूल क्रिकेट टीम में भी हूँ तो मैं क्रिकेट भी खेलती हूँ मैं इनके साथ इनकी म्यूज़िक डायरेक्टर टीम में भी खेलती हूँ मैं अकेली औरत होती हूँ जो इनके साथ खेल रही होती हूँ सो आई लाइक वॉलीबॉल आई लाइक बास्केटबॉल आई लव स्पोर्ट्स बेसिकली और सबसे खुशी की बात यह कि मुझे अब थ्रो बॉल नहीं बनना पड़ेगा अब थ्रो बॉल आ गई है हम सबके बीच में और वही उछलेगी हवा में और मैं सिर्फ देखूंगा खुद का थ्रो बॉल होता है वो तो हमेशा अपना ही रहता है तो इसके लिए मैं लकी मुरानी को बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मेरे को थ्रो बॉल के एक पोजीशन से हटा दिया है और एक थ्रो बॉल इनकी लाइफ में ले आई है सो विशिंग एवरीबॉडी द होल टोनी लीग जो हो रही है इसके सभी कंटेस्टेंट्स को और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को हमारी पूरी शुभकामनाएं और पूरा सपोर्ट है कि ऐसे जितने भी आप स्पोर्ट्स आगे लेके आएंगे उस जिसमें सारे घरेलू पतियों का जो भार है वो कम होगा उसमें हम हमेशा आपके साथ मैन वर्सेस मैन घर पे हो रहा है बहुत है औरतों को औरतों से भिड़ने दो मर्दों को मर्दों से भिड़ने दो प्लीज शुरुआत करेंगे हमारी टीम ओनर से लकी एंड हमारा टीम का नाम है लकी तो पहले इनसे शुरुआत करेंगे कि ये क्या बोलना चाहती है
मैं ये कहूँगी कि ये टीम लकी है ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद बीएनसीटी वेंचर्स राजेश अंगेलो एंड ही इज़ अ ग्रेट सपोर्ट फॉर अस. मैं अपनी टीम के बारे में इतना बोलना चाहूँगी कि सबको दिखता है कि ये बहुत ग्लैमरस वेमेन है एंड दे ब्यूटिफुल वेमेन, दे सेक्सी वेमेन, लेकिन ये सब नहीं जानते कि ये जो टीम साथ में एक इकट्ठा हुई है, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट ग्लैमर. ये सारी वेमेन स्पॉटी हैं, दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ स्पॉर्ट्स बिहाइंड देम. समबडी इज इन कराटे, कोई बैडमिंटन, कोई थ्रोबॉल, कोई हॉकी एंड टेनिस. दे आर ऑल स्टेट एंड नेशनल लेवल प्लेयर्स. दे हैव वन अ लॉट ऑफ एकोलाड्स. तो ये सिर्फ ग्लैमर नहीं है, दीज आर ऑल रियल वेमेन. वी आर मदर्स, वी आर रियल वेमेन, बट वी आर इन टू स्पॉर्ट्स. We kick ass. And now we are going to play throw ball क्योंकि हमें एक बहुत अच्छा चांस मिल रहा है कि जो इन्होंने लिया है इज एक्सलेंट एंड इट इज सो एनकरेजिंग फॉर अस बिकॉज वी गेट अ चांस टू गो बैक टू डेज वेन वी वर रियली रियली प्लेइंग फॉर अ टीम. And thank you so much for giving us this opportunity. And we hope to make you all proud. And we are going to win, right? Yes! Yes! You know, I'd like to say and thank Lucky and the entire team for being a part of our league. Tony Bhai and me had started this with cricket. After the grand success of cricket, we wanted to do something with the girls. So that's how this idea came up. And let's hope for the best, yeah? Yeah. वो तो ऑब्वियस बात है ना. नहीं नहीं, हम यहाँ गुस्से से नहीं खेलेंगे, हम प्यार से खेलेंगे. नहीं नहीं नहीं, प्यार से कैसे खेलेंगे, जीतना है. अरे मजा क्यूट यार. नहीं, प्यार से खेलेंगे हम. सो वी आर अ विनिंग टीम फॉर श्योर. ग्लैमरस है और साथ साथ में हार्ड वर्किंग एंड स्पोर्टी है. जैसे लकी ने बोला, समबडी इज फ्रॉम हॉकी, कराटे, आई वॉज इन टू वॉलीबॉल. सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस अदर देन एक्टिंग, सिंगिंग एंड वॉट एवर वी डू इन आर real life. So you know, I also think you know, it's a very great initiative to get women together because right now jab hamare desh mein bahut zyada focus hai ki auraton ko aage kare, sports ye bahut hi ek acha madhyam hai jahan par sirf khel hi nahi, women ke energies ko saath mein lakar, wo bhale hi kaun se bhi medium se ho, unhe saath mein lakar ekjut karke maze se khele. सिर्फ कंपटीशन नहीं, आई थिंक प्यार से खेलना बहुत जरूरी है. कोई भी कंपटीशन हेल्दी होता है तो खेल के और मजा आता है. सो आई थिंक हम सबका स्पिरिट बहुत पॉजिटिव है, सो वी विल बी हैविंग अ वेरी हेल्दी एंड पॉजिटिव कंपटीशन. और हमारे साथ हमारी और एक हॉट एंड सेक्सी प्लेयर है, करू करिश्मा मोदी. करिश्मा मोदी पर हम इसे प्यार से करू बोलते हैं. वो तो और भी अच्छा होगा. And yeah, this is the best thing to do. We are looking forward.